उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो में लाखों का घोटाला हुआ। इसमें डिपो अधिकारी सहित चार कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र आर ने निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रभागीय विक्रय प्रबंधक ने स्थानीय कोतवाली में वन निगम के तीन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो नंबर 5 में 17 जून 2023 को प्रकाष्ठ की नीलामी सम्पन्न हुई थी। नीलामी के उपरांत क्षेत्रीय प्रबंधक वन विकास निगम हल्द्वानी द्वारा संपन्न हुई नीलामी से संबंधित प्रपत्रों की जांच की गई। जांच के दौरान प्रपत्रों में काफ़ी अनियमितताएं पाई गई। कुल 17,94,500 रुपये में लकड़ी बिक्री है। डिपो के कार्मिकों द्वारा कूटरचित तरीके से हेराफेरी करते हुए 9,17,000 रुपये का बिल बना दिया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। लालकोट डिपो नंबर 5 में नीलाम में जो हमारे लकड़ी प्रकाष्ठ का जो विक्रय है उसके मूल्य में कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसकी मेरे द्वारा जांच मार्केट डीएसएम से कहा गया, उन्होंने जांच करी। तो पहले दिनांक 17 जून 2023 के नीलाम में लगभग 8,77,000 रुपया का कुछ मामला सामने आया, जिसमें ये देखा गया कि जिस मूल्य पर नीलाम लकड़ी बिकी उससे मूल्य कम बिलों में कर दिया गया वहाँ के कर संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों के द्वारा। क्रेताओं के साथ मिली भगत करके उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करी, और ये तो बड़ा संज्ञेय अपराध है, तो ऐसे में उनके जो विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं निलंबन इत्यादि सब कुछ तो होगा ही होगा। साथ ही क्योंकि गबन का मामला, तो इसमें पुलिस कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा रही है।